एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे ही होंगे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 बजे मैंने अपना व्लॉग शुरू किया है। घर में झाड़ू हो गया है, बर्तन मैंने कर लिए हैं और आज हो रहा है मुझे बहुत बुरे वाला माइग्रेन। पता नहीं मेरा पीछा इस माइग्रेन से कब छूटेगा, अक्सर मुझे माइग्रेन होता ही रहता है। तो पोछा लगाना है अभी घर में और नहा के फिर नाश्ता करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी सी देर। यहाँ मैं निकाल रही हूँ किचन से बॉटल गर्म पानी की, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा था और कई दिनों से वो कह रहे थे, तो आज मैंने ये काम कर ही दिया। ये मैंने निकाल दी है दोनों बॉटल, एक घर में रखने के लिए, एक उनको ऑफिस में ले जाने के लिए। और अब इन बॉटल्स को मैं गर्म पानी से धो दूंगी। वैसे तो मैंने साफ करके ही रखा था, बट निकालने के बाद एक बार वॉश करना ज़रूरी होता है। तो दोनों बॉटल्स को मैंने गर्म पानी से यहाँ धो दिया है, अंदर से भी और बाहर से बहुत अच्छे तरीके से। एक छोटा बॉटल है जिसमें रात में भर के पानी रख देती हूँ। वैसे तो रात में पानी सर्दियों में कम ही पीते हैं, फिर भी रात में भर के पानी रख देती हूँ। और एक थोड़ी सी बड़ी बॉटल है, वो बॉटल में पानी मेरे हस्बैंड ऑफिस लेके जाते हैं, तो इसलिए ये मैंने दोनों बॉटल निकाली और ये बॉटल मैं धो रही हूँ। पराठा और मिर्ची का अचार, जो मैंने मिर्ची के अचार की वीडियो डाली थी वो वाली मिर्ची का अचार है। तो पराठा और मिर्ची का अचार आज का मेरा नाश्ता है। अब बज चुके हैं 6:30 और मैं बेटे के लिए बना रही हूँ मैगी। वैसे वो मैगी खाता मानता तो है, बट मैं देती नहीं हूँ, कभी कभी दे देती हूँ और कभी कभी खाने से इतना कोई नुकसान नहीं होता। और अपने लिए बना रही हूँ चाय, उसके लिए मैगी उसे दूंगी और मैं चाय पीऊँगी और हम फिर साथ में बैठे कुछ बातें करेंगे। यही एक टाइम होता है जब मैं अपने बेटे के संग बैठे कुछ बातें करती हूँ, उसके संग थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती हूँ। और ये मैं अपने बेटे के संग बातें कर रही हूँ थोड़ा सा, बस यही थोड़ा आधा घंटा 15 मिनट का टाइम होता है जब मैं अपने बेटे के संग बातें करती हूँ। वो मुझे बताता है उसके स्कूल में क्या हुआ, ट्यूशन में क्या हुआ। और ऐसा ज़रूरी भी है कि आप अपने बच्चों के संग बैठ के टाइम स्पेंड कीजिए, इससे पता चलता है कि आपके बच्चे की लाइफ में क्या हो रहा है। काम तो लगा ही रहता है लेकिन बच्चों के संग टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक दिन फिर बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनके पास खुद भी बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा कि वो आपके संग बैठे हैं बातें करें। उनको कॉलेज होगा, कोचिंग होंगे, खुद के फ्यूचर्स के प्लान होंगे, इसलिए मैं अपने बेटे के संग कोशिश करती हूँ, चाहे कोई भी काम छूट जाए लेकिन मैं अपने बेटे के संग कम से कम 15 मिनट ज़रूर जाती हूँ, उसके संग बातें करूँ। और तो ये बातें कर रही हूँ। Thank you.
और ये शाम के खाने की तैयारी होने लगी डिनर की। मूली के पराठे बनाए थे मैंने, और ये मूली के पराठे के लिए मैंने मूली घिस रही हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।